साहिबगंज में राजमहल सांसद विजय हंसदा ने बुधवार को सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड में जाकर मरीजों का हालचाल जाना और एनएम से दवा से संबंधित जानकारी ली। अस्पताल में बन रहे बायोलॉजिकल लैब के निरीक्षण के दौरान विजय हंसदा ने कहा कि चिकित्सकों की कमी पूरे राज्य में है, इस चलते थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन अगले साल तक चिकित्सकों की कमी दूर हो जाएगी। इसी माह से बायोलॉजिकल लैब भी काम शुरू हो जाएगा। इसमें कोरोना समेत कई टेस्ट होंगे। इस टेस्ट के लिए अब तक लोगों को धनबाद व दुमका जाना होता है, पर अब साहिबगंज सदर अस्पताल में ही न्यूनतम दर पर जांच की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में बह रहे गंदे पानी को देखकर सीएस डॉक्टर डीएन सिंह को पानी की निकासी के लिए नाली का निर्माण कराने का निर्देश दिया। कहा कि स्टेडियम विस्तारीकरण का कार्य भी शुरू किया जाएगा। एनएच को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, जिसे जल्द समाप्त करा दिया जाएगा। वही सांसद ने कहा, आपको भी दिखी जो यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी जो है और नाली का जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना होगा, तो उसके लिए मैंने सीएस साहब को भी डायरेक्शन दिया। मैं डीसी साहब से भी बात करूँगा कि नाली की यहाँ पे ठीक तरह से व्यवस्था की जाए ताकि पानी निकासी हो, क्योंकि पानी निकासी नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो गंदगी फैल रही है ये हॉस्पिटल के अंदर के लिए बहुत गलत माहौल हो जा रहा है, तो इसे हम लोग दुरुस्त करेंगे जल्द। हॉस्पिटल में डॉक्टर का अभाव है साहब, इसको लेकर भी क्या? डॉक्टर की अभाव ये आप और हम जान रहे हैं कि एज ए होल ऑफ स्टेट की जो है जो संख्या है वो कम, और उसमें जो है लगातार हेमंत जी का भी जो बयान आ रहा है कि बहालियाँ होंगी और इसको कोरोना काल समाप्त होते होते या फिर कहिए अगले साल तक बहुत सारी बहालियाँ भी आपकी चालू होंगी। फ्रेश स्ट्रेंथ जब तक नहीं आएंगी, हम लोग यहाँ से वहाँ से डॉक्टर्स जहाँ से भी लेंगे, वो कमी आज हम यहाँ बुला लेंगे कहीं और कमी जरूर हो जाएगी। तो ये स्थिति तो अभी मैन पावर वाइज अगर कहिएगा तो पूरे स्टेट की जो है मशीनरी कम मैन पावर पर रन कर रही है, तो वो एक तो यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग को दिक्कत हो रही है। मेडिकल कॉलेज का हमने यहाँ पे वायरोलॉजी लैब आपका जा करके स्थापित करने का जो मेरा प्रयास है कि एक इस महीने में आपका स्थापित हो जाएगा, और जो जाँच आपका जा करके समझिए कहीं और धनबाद जाकर के दुमका जाकर के जांच होना था, वो आप समझिए वायरोलॉजी में सिर्फ कोविड का ही नहीं, आने वाले समय में और सब बहुत सारी जांचें यहाँ पे होंगी। आपका सरकारी दर पे मिनिमम दर पे आपका जाकर के यहाँ के लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, यही मेरा प्रयास है। कोविड के समय में बहुत सारी चीज़ें अभी जो है थोड़ा स्लो चल रही, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि दिसंबर जनवरी से बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वयन में आगे इसलिए भी बढ़ाया जाएगा क्योंकि रोजी रोजगार को भी आगे बढ़ाना है। कोविड की मजबूरी भी है लेकिन साथ में रोजी रोजगार को भी हम लोग करवाना है, क्योंकि आपका चाहिए कहिए गंगापुर से की बात हो, चाहे हमारा आपका जाकर के जो हाईवे की बात हो, जो स्थिति है उसको तो जल्दी क्लियर नहीं करने से दिक्कत यहाँ बनी रहे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए मैंने कहा था कि हमने एक समय में आपका जाकर के पैसा सैंक्शन करवाया था, लेकिन उस समय जो ये पिछले सरकार की आप बात कर रहे हैं, जिस समय कि आपका जो जमीन आवंटन नहीं होने की वजह से यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो है निर्माण नहीं किया जा सका, फिर से उसे प्रयास किया जाएगा।